फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पारस काइट्स बैग्स में। और फ्रेंड्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 4 इंची का काइट बैग। और फ्रेंड्स मैं आज आपको इस बैग के ऊपर 3 बातें बताने वाला हूँ। पहली बात है फ्रेंड्स, आप इस बैग को क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी बात है इस बैग के अंदर क्या क्वालिटी है। और तीसरी बात कि फ्रेंड्स आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आप इसे क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स आप इसे मेनली यूज़ करें जैसे कि आप कोई पतंग के शौकीन नहीं है, बस आप पतंग उड़ाते हैं और आप चाहते हैं आपकी पतंग सेफ रहे। जैसे बाय मिस्टेक कभी कभी चूहे पतंग काट जाते हैं, वैसे बैग काटने को तो बैग भी काट ले, लेकिन फ्रेंड्स एक बार को बैग नहीं काटेगा। दूसरा जैसे कि सीलन आ जाती है, तो सीलन में फ्रेंड्स ये आपकी पतंग को बचाएगा और आपकी पतंग इसमें सेफ रहेंगी। जैसे कि आप पतंग की ज़्यादा शौकीन नहीं हो तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आज मन किया रक्षाबंधन आई रहा, कोई सीजन आया पतंग का, तो फ्रेंड्स आप इसे फोल्डिंग करके कहीं पर रख सकते हो। अगर वो सीजन ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स इसको आप बहुत ही ईजिली फोल्डिंग करके किसी भी जगह पर रख दीजिए, ये आराम से वहाँ पे रहेगा। और फ्रेंड्स ये वाटरप्रूफ कपड़ा है। और हम फ्रेंड बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मिलती है कि फ्रेंड्स आपको इसके अंदर भी वो ही मिलती है, ये वाटरप्रूफ कपड़ा है और ये 4 इंची का कम से कम साइज़ है। फ्रेंड्स अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। और फ्रेंड इसके अंदर भी सब डबल कोटिंग सिलाई कर रखी है पारस काइट्स बैग्स वालों ने। आप खुद देख सकते हैं इसकी यहाँ की सिलाई, इतनी आसानी से इसकी पट्टी निकलेगी नहीं, ये हैंडल जो है इसका। दूसरा जो इसकी स्ट्रैप्स है फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रैप्स पे भी डबल कोटिंग सिलाई कर रखी है पारस काइट्स बैग्स वालों ने। साथ में फ्रेंड्स ये लंबी भी हो सकती है। बाकी अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स कहूँ कि आपको इसे परचेस करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका थोड़ा लो बजट है तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं यार इतना महंगा बैग लेके मैं क्या करूँगा, मैं तो कोई पतंग का शौकीन नहीं हूँ, मैं 5 इंची 10 इंची वाले बैग लेके क्या करूँगा। तो फ्रेंड उन लोगों के लिए ये बैग है, जैसे कि उनको मिनिमम 50 पतंगें रखनी है स्टॉक करके, कि या ऐसी घर पे रख लेता हूँ कभी कभी उड़ाता हूँ मैं। तो फ्रेंड उनके लिए फ्रेंड ये बहुत काम आएगा। फ्रेंड ये 4 इंची का साइज़ है, जैसे कि आपकी पतंगें ख़त्म हो गई तो फ्रेंड इसे आप फोल्ड करके साइड में भी रख सकते हैं। और पतंग का कोई सीज़न आ रहा है आपका, जैसे कि आप रक्षाबंधन आ गई और कोई त्यौहार आ गया जिस पर आप पतंग उड़ाते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप इसके अंदर पतंग कई लेके भी जा सकते हैं इसे आराम से टांग के। तो फ्रेंड अगर आपको थोड़ा लो बजट है तो फ्रेंड आप ये ले सकते हैं। और बाकी ये भी कोई बुरा बैग नहीं है, ये भी अच्छा बैग है। और ये बैग अगर आपको चाहिए हो तो फ्रेंड मैं इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके फ्रेंड आप इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। और फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स हमने जो मेरी 12 इंची काइट वाले बैग को इतना अच्छा सपोर्ट दिया उसके लिए फ्रेंड मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। और ऐसी मेरी नई वीडियोस को सपोर्ट दीजिए और मैं वीडियोस बनाता हूँ। धन्यवाद।